हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फैंटासी फैक्टर। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले झारखंड वुमेन T20 लीग का, यहाँ पे जो अगला मुकाबला होने वाला जो कि मैच नंबर 7 होगा, जो यहाँ पे खेला जाएगा फ्रेंड्स धनबाद डैफोडिल्स वुमेन्स वर्सेस बोकारो ब्लॉसम्स वुमेन्स के बीच में। इसकी हम लोग यहाँ पे आप लोग को ड्रीम उनके स्मॉल लीग की प्राइम टीम प्लस आप लोग के लिए यहाँ पे ग्रैंड निकले जो भी इंपॉर्टेंट और की प्लेयर होंगे उनके बारे में यहाँ पे आप लोग को काफी डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। प्लस फ्रेंड जो हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे की पार्ट था कि टॉस फैक्टर यहाँ पे किस प्रकार से काम करेगा दोनों टीमों के बीच में, यानी कि हम आप लोग को टीम कंपेयर करके आप लोग को दिखाएंगे कि अगर धनबाद वुमेन्स की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आप लोगों को किस प्रकार के रन किस प्रकार के विकेट यहाँ पे गिरते रहेंगे, वहीं अगर आप लोगों को बोकारो वुमेन्स की टीम पहले बैटिंग करते नजर आएगी तो आप लोगों को किस प्रकार के रन किस प्रकार के विकेट यहाँ पे गिरते नजर आएंगे, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो माइंड सेट है पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस टीम के ज्यादा से ज्यादा विन करने के चांस है और कौन सी टीम यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकती है, ठीक है। इससे आप लोगों की टीम एक विनिंग टीम के रूप में बन जाएगी और जो आपका माइंड सेट है वो काफी ज्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप लोगों के लिए यहाँ पे ग्रैंड निक के लिए भी मैं बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स और की प्लेयर यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार के टीम कॉम्बिनेशन ग्रैंडिंग में बना सकते हो और कौन कौन से प्लेयर किस केस में आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ग्रैंडिंग के लिए। तो ये सारी चीजें यार आप लोग को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक वॉच करना। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो आप लोग लाइक भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पिच के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो आप लोग को पता है रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच हो रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे आप लोग को स्टार्टिंग में तो पता चला होगा कि काफ़ी शॉर्टेस्ट बाउंड्री थी, तो आप लोग को लगा होगा कि 130 से 140 के बीच में हर एक वेबसाइट हर एक एप्लीकेशन पे एवरेज स्कोर देखने को मिला था। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एवरेज स्कोर धीरे धीरे यहाँ पे घट रहा है, लगभग 95 से और 100 के बीच में आप लोग यहाँ पे ऑन एन एवरेज स्कोर मान सकते हो कि इतना यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो पिच है यहाँ पे स्पिन बॉलरों को काफ़ी अच्छा हेल्प करती है, तो आप लोग थोड़ा सा स्पिन बॉलर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चल सकते हो। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टीम कंपेयर करके देखेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है यहाँ पे दोनों टीमें अपने दो दो मैच यहाँ पे विन कर सकती है, ठीक है। बोकारो वुमेन की बात करूँ तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है दो मैच खेले, दोनों के दोनों मुकाबले काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे विन हैं। आप लोग देख सकते हो पहली जीत जो थी वो थी फ्रेंड्स यहाँ पे 46 रनों से, दूसरी जीत देख सकते हो उससे भी दमदार थी 78 रनों से, यानी कि काफी अच्छी फॉर्म में यहाँ पे चल रही है बोकारो की टीम। वही बात करो फ्रेंड्स धनबाद की टीम की तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार काफी बेकार फॉर्म यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। पहला मुकाबला जो था फ्रेंड्स यहाँ पे 41 रनों से इन्होंने हारा है, ठीक है। दूसरा मुकाबला देखोगे 3 रनों से हारा, यानी कि दूसरी हार और भी बुरी रही। वैसे इसी तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे बोकारो की पहली जीत तो औसम थी, दूसरी जीत उससे भी ज्यादा औसम थी। इसी तरीके से यहाँ पे धनबाद की पहली हार तो बेकार थी और दूसरी हार उससे भी काफी ज्यादा बेकार है। तो इससे आप लोगों का एक माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे यार बोकारो के विन करने के चांस काफी ज्यादा हाई है। आप लोग थोड़ा सा बोकारो के फेवर में टीम आप लोग बना के चलोगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कि टॉस विन करके अगर बोकारो पहले बैटिंग चूज करेगी तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, बोकारो के सारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आप लोग ले लोगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे बोकारो की तरफ से आप लोग को यहाँ पे 100 प्लस तो ईजिली रन बनते हुए नजर आ सकते हैं। 140 तक मैं कह रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे रन बना सकती है, ठीक है। 100 से 140 के बीच में आप लोग को रन बनते हुए नजर आएंगे। इनका ऑन एन एवरेज जो विकेट गिरते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 मुझे लगता है कि मैक्सिमम विकेट यहाँ पे धनबाद की टीम इनके निकाल पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि धनबाद पहले बैटिंग यहाँ पे करेगी तो क्या होगा आप लोगों को पता, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे धनबाद के बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं। देखा होगा पहले मैच में 8 विकेट गिरे, दूसरे जो भी 7 विकेट गिरे, ठीक है। तो ऑल आउट होने के इस टीम के ज्यादा से ज्यादा चांस है और रन मेरे हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 70 से और फ्रेंड्स 90 के बीच में या फिर ज्यादा से ज्यादा 100 तक ही आप लोगों को ये रन बनाती हुई नजर आएगी। तो उसके इसमें आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर धनबाद पहले बैटिंग चूज करेगी तो आप लोग यहाँ पे बोकारो की तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट बॉलर है, चाहे 2 ओवर डालता कोई, चाहे 4 ओवर डालते, सारे के सारे बॉलरों को आप लोग पिक कर लोगे। एक बॉलरों का अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ पे बना के चलोगे, क्योंकि मैक्सिमम विकेट गिरेंगे यार धनबाद के, तो यहाँ पे बॉलरों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जो बोकारो के बॉलर है, ठीक है। वो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। बैट्समैन तो बोकारो के ले ही जाएंगे लेकिन उतने ज्यादा पॉइंट नहीं ले पाएंगे बैट्समैन इस टाइम पे बोकारो के, क्योंकि छोटे से स्कोर पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिमट जाएगी फ्रेंड्स धनबाद की टीम और यहाँ पे जो बोकारो के बैट्समैन है उन्हें उतना बड़ा स्कोर चेज करने को नहीं मिलेगा। तो 30-40 रन मैक्सिमम एक बैट्समैन मेरे हिसाब से बना पाएगा, तो क्या होगा कि जो आपके कैप्टन की एक्सपेक्टेशन रहती है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाएगा बैट्समैन यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बॉलरों पे उस केस में एज ए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का दाव खेलना और जितने भी बॉलर आप लोग लोग ग्रैंडिंग में अगर आप लोग खेल रहे हो तो मैं कहूँगा कि हर एक बॉलर को आप लोग को कैप्टन का रोल देना चाहिए ग्रैंडिंग की टीम में, जिससे कि आप लोगों की रैंक बहुत अच्छी आई, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही उम्मीद करूँगा कि यार आप लोग को ये टीम कंपेरिजन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वह हम लोग यहाँ पे सिंपली चलेंगे थोड़ा सा टीम की तरफ, प्लस मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड्स भी सारे प्लेयरों का लास्ट मैच का दिखाता चलूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टीम की तरफ सबसे पहले।
फ्रेंड्स यार टीम बताने से पहले आप लोग एक बार बोकारो का जो लास्ट मैच है उसकी आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लीजिए। बोकारो के प्लेयरों ने किस प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छी जीत मेरे हिसाब से यहाँ पे हासिल की थी यार। आप लोग यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स काफ़ी मतलब 55 पे यहाँ पे इनको 55 से आगे बढ़ने नहीं दिया था ठीक है जमशेदपुर की टीम को फ्रेंड्स। तो देख सकते हो यहाँ पे बोकारो की तरफ से आप लोग को इंद्राणी रॉय ओपन करती हुई नजर आएगी लास्ट मैच में 50 मार चुके ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे ईसा केसरी है 17 रन यहाँ पे लास्ट के एक मैच में बनाया था ठीक है। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इनका थोड़ा सा लो है तो आप लोग ग्राइंडिंग में ट्राई करना ठीक है। स्मॉल लीग के हिसाब से मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं होगी ठीक है। रितु कुमारी देख सकते हो यार यहाँ पे 15 रन बनाए थे, 2 चौके यहाँ पे मारे थे ठीक है। फिर अश्विनी कुमारी जो इनके कैप्टन है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 16 बॉल में 37 रन काफी हाई स्ट्राइक रेट से यहाँ पे रन बनाए थे, 231 के स्ट्राइक रेट से ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो 4 चौके और 2 छक्के भी यहाँ पे लगाए हैं ठीक है। फिर पल्लवी भारद्वाज फ्रेंड्स बेसिकली बॉलर है लेकिन यहाँ पे 0 रन पे आउट हो गए थे ठीक है। स्टंपिंग की थी यहाँ पे इनकी और कुड़िया ने विकेट लिया था ठीक है। फिर आरती कुमारी है और रागिनी कुमारी ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे इनकी बैटिंग रही थी ठीक है। बॉलिंग की बात करूँ तो 5 विकेट इस टीम ने लिए थे देख सकते हो। यहाँ पे पल्लवी भारद्वाज ने जैसे मैंने कहा था कि ये बेसिकली ये बहुत अच्छी बॉलर है ठीक है। बैटिंग करने भी आप लोगों ने देखा थर्ड डाउन पर बैटिंग करने आ रही है तो यहाँ पे देखोगे 3 ओवर कराए थे, 12 रन दिए हैं था 1 विकेट, यानी कि 4 की मॉनिट से बॉलिंग कराई थी प्लस 1 विकेट भी निकाला था। काफ़ी अच्छी बॉलर आप लोगों के लिए यहाँ पे पल्लवी भारद्वाज होने वाली। ओवरऑल जो रिकॉर्ड है इनका वो भी काफ़ी शानदार है फ्रेंड्स ठीक है। इसके अलावा आरती कुमारी तो आप लोग को जानते हुए कितने अच्छे लेवल के प्लेयर हैं ठीक है। यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में आप लोग को देख जाएगी पूरे 4 ओवर कराए थे, 1 मेडियन ओवर डाला था प्लस यहाँ पे 5 रन ऑनली दिए थे देख सकते हो ठीक है। 1 विकेट निकाला था, 1.3 की इकोनॉमी से यहाँ पर बॉलिंग कराई थी। आप लोग के लिए ग्रैंडिक के लिए और स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर आरती कुमारी होने वाली है ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे रागिनी कुमारी जो कि आपको बैटिंग सेक्शन में दिख जाएगी, 3 ओवर कराए थे, 12 रन यहाँ पे दिए थे, 1 विकेट यहाँ पे निकाला था, 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई थी ठीक है। इनकी तरफ से आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम बॉलरों के सबके इकोनॉमी रेट काफी अच्छे रहे इस मैच में ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे नेहा कुमारी 100 को विकेट नहीं मिला लेकिन 3 ओवर में ओनली 11 रन यहाँ पे दिए हैं, 3.7 की इकोनॉमी से यहाँ पे बॉलिंग कराई है ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे रितु कुमारी ने 2 ओवर कराए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 रन दिए थे, कोई विकेट इन्हें नहीं मिला ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखोगे अनीता मांझी हैं, 3 ओवर कराए हैं, 8 रन दिए हैं ठीक है। काफ़ी अच्छा इकोनॉमी रेट है लेकिन विकेट नहीं मिला है ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे मीरा महतो है यहाँ पे 2 ओवर कराए हैं और 1 विकेट यहाँ पे इन्हें मिला है प्लस 1 की इकोनॉमी से यहाँ पे बॉलिंग कराई, यानी कि 2 रन ऑनली दिए हैं 2 ओवर में और 1 विकेट भी निकाला। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए काफ़ी अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे मीरा महतो भी हो सकती है। महतो को आप लोग ग्रैंड लीग में यार जरूर से कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल देना, काफ़ी अच्छी बॉलिंग ये करा रही थी। अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे दूसरी टीम की परफॉर्मेंस में यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड रहा था लास्ट मैच में जहाँ पे इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे 3 रन से ये मैच हारे थे ठीक है। तो यहाँ पे इनकी तरफ से आप लोग देखोगे फ्रेंड्स प्रिया कुमारी काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है ठीक है, बेसिकली आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे 8 रन बनाए थे, 14 बॉल में 1 चौका मारा था ठीक है। इसके अलावा नीलम मेहता है फ्रेंड्स यहाँ पे एक चौका मारा था, 6 रन बनाए थे ठीक है। फिर सोनिया थी इनकी कैप्टन जो कि काफ़ी अच्छी बैट्समैन भी है लेकिन ये आउट हो गई थी फ्रेंड्स लास्ट मैच में ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे सुलेखा कुमारी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 26 रन बनाए थे, 3 चौके यहाँ पे लगाए थे ठीक है। फिर यहाँ पे लक्ष्मी मुर्मू है फ्रेंड्स यहाँ पे 20 रन बनाए थे, इनकी विकेट कीपर है ठीक है। और थोड़ा एक इकोनॉमी थोड़ा सा गंदा था। इसके अलावा आप लोग देखोगे खुशबू कुमारी ने यहाँ पे 5 रन बनाए थे ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी खास प्लेयर रहा नहीं था, थोड़ा सा लास्ट में यहाँ पे शांति कुमारी ने 8 रन जरूर से बनाए थे ठीक है। बाकी फ्रेंड्स 9 रन इनकी तरफ से एक्स्ट्रा थे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखोगे इन्होंने भी यहाँ पे 7 विकेट निकाले थे अगली टीम के, तो देखते हैं किस किस प्लेयर ने कैसे कैसे विकेट निकाले ठीक है। शांति कुमारी ने यार 8 रन भी बनाए थे आप लोगों ने देखा और 1 विकेट भी यहाँ पे निकाला था ठीक है। खुशबू कुमारी ने 4 ओवर कराए थे, 1 मेडियन ओवर डाला था लेकिन कोई विकेट यहाँ पे नहीं निकाले थे, लेकिन बहुत अच्छी इकोनॉमी से यहाँ पे बॉलिंग कराई थी, सिर्फ 4 ओवर में 11 रन दिए थे, 2.8 की इकोनॉमी से। प्लस शांति ने भी यार काफ़ी अच्छी इकोनॉमी से यहाँ पे बॉलिंग कराई थी, 2 मैचों में देख सकते हो, 4 मैचों में 2 मेडियन ओवर प्लस यहाँ पे 1 विकेट प्लस 2 की इकोनॉमी से यहाँ पे बॉलिंग कराई थी ठीक है। और मीना ने फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ओवर कराए थे, 13 रन यहाँ पे दिए थे, 6.5 की इकोनॉमी से ठीक है। आरती कुमारी ने यहाँ पे देख सकते हो 1 मैच में 7 रन दिए थे ठीक है। फिर प्रिया कुमारी इनकी सबसे मेन की ऑलराउंडर आप लोग मान के चल सकते हो ठीक है। 3 ओवर कराए थे फ्रेंड्स यहाँ पे, 13 रन दिए थे प्लस 1 विकेट निकाला था, 4.3 की इकोनॉमी से यहाँ पे बॉलिंग कराई थी ठीक है। फिर सोनिया इनके कैप्टन है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, 4 मैच में 25 रन दिए थे, 1 विकेट यहाँ पे निकाला था ठीक है। फिर यहाँ पे गिन्नी की ने फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ओवर कराए थे और 8 रन यहाँ पे दिए थे। तो किसी प्रकार से इनका लास्ट परफॉर्मेंस रहा था फ्रेंड्स। अब आप लोग को दोनों की तरफ से प्लेइंग 11 आप लोग को पता चल गया ठीक है। आप लोग को पता चल गया कौन कौन से प्लेयर कैसा है, किस किस प्लेयर को आपको लेना है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली टीम को देख लेते हैं किस किस प्लेयर को हमने लिया, तो चलिए हमारी टीम की तरफ चलते हैं। अब स्टार्ट करेंगे तो आप लोग विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हो इंद्राणी रॉय के साथ में गया लास्ट में जो 50, उससे पहले भी काफ़ी शानदार तरीके से 46 रनों की इनिंग खेल चुकी है ठीक है। एस कुमारी आपके पास एक अल्टरनेट चॉइस है लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग सिर्फ ध्यान दोगे, स्मॉल लीग में आप लोगों को सिर्फ इंद्राणी रॉय के साथ आप लोगों को जाना है ठीक है। इसके अलावा मैं बैटिंग सेक्शन में देखोगे यहाँ पर टोटल या फ्रेंड्स यहाँ पे 4 बैट्समैन के साथ में गए हूँ। पहले नाम यहाँ पर प्रिया कुमारी का आप लोगों को बता चुका हूँ, काफ़ी शानदार ऑलराउंडर है ठीक है। बैटिंग से भी बॉलिंग से भी दोनों के आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे खुशबू कुमारी के साथ में गया हूँ लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 5 रन 1 विकेट
विकेट यहाँ पे निकाला है, उससे पहले यहाँ पे 2 विकेट शानदार तरीके से निकाल चुकी है और 6 रन भी बना चुकी है, ठीक है। तो दोनों केसेस में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, इन दोनों को आपको लेना ही है, लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखो बोकारो की तरफ से हमने यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स अश्विनी कुमारी को, ठीक है। अश्विनी कुमारी का परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लास्ट में जो 37 रन, उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे किया था 34 रनों का, ठीक है। दोनों बजे 34 रनों की शानदार इनिंग के लिए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखोगे हमने एक और प्लेयर को लिया रागिनी कुमारी को, लास्ट में जो 1 विकेट निकाला था काफी शानदार तरीके से, ठीक है। तो विकेट निकालने वाले जितने भी है बोकारो की तरफ से सबको मैंने यहाँ पे लेके रखा है, ठीक है। एल मुर्मू आपके पास एक और अच्छी चॉइस है, तो लक्ष्मी मुर्मू को आप लोग चाहो तो यहाँ पे ग्राइंडिंग में आप लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हो, बाकी स्मॉलिंग में तो स्किप करके चलिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल 2 ऑलराउंडर के साथ में गया हूँ। आरती कुमार हमारी पहली चॉइस रहेगी, आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत अच्छी इकोनॉमी का यहाँ पे बॉलर भी है, प्लस बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती है। आप लोगों ने फर्स्ट मैच में देखा था यहाँ पे 2 रन प्लस यहाँ पे 4 विकेट प्लस 1 मिडन ओवर भी डाला था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आप लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। और जो इसका लास्ट वाला मैच हुआ था उसमें भी फ्रेंड्स 1 मिडन ओवर प्लस 1 विकेट निकाला था और 5 रन भी बनाए थे, ठीक है। तो आरती कुमारी आप लोगों के लिए दोनों केसेस में इंपॉर्टेंट होने वाली है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी, ठीक है। फिर यहाँ पे सोनिया है, इनके कैप्टन है, आप लोगों को बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी रह चुका है, ठीक है। लास्ट में जो 1 विकेट निकाला था, रन नहीं बनाए थे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ठीक ठाक फॉर्म में चली थी। इसके अलावा आपके पास जो और ऑप्शन बचते थे ईसा केसरी, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ओपन करने वाली लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप लोगों को पता 17 रन बनाए थे, लेकिन काफ़ी खराब इकोनॉमिक रेट से यहाँ पे बनाए थे, -6 के स्ट्राइक रेट से, सॉरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा यहाँ पे ईसा केसरी आपको बॉलिंग करते हुए साइड से ना नजर आए, ठीक है, बॉलिंग से भी मतलब विकेट इनके हाथ नहीं लगे हैं अभी तक। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे गी गीता कुजूर आपके पास एक और चॉइस है, इनको आप लोग ग्राइंडिंग में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। फिर यहाँ पे ए मानजी आपके पास एक और ग्राइंडिंग के लिए की प्लेयर बची है, ठीक है। फिर बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 बॉलरों के साथ में गया हूँ। पहला नाम आता है पल्लवी भारद्वाज का, ठीक है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे बॉलर है, ठीक है। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि बहुत अच्छी कॉन्ट से बॉलिंग भी कराई थी, प्लस यहाँ पे काफ़ी अच्छी विकेट टेकिंग बॉलर भी है, ठीक है। पहले मैच में आप लोगों को बताया यहाँ पे 4 की मिनट बॉलिंग कराई थी, प्लस 1 विकेट निकाला था। उसके अलावा जो फर्स्ट वाला मैच हुआ था यहाँ पे 2 विकेट शानदार तरीके से निकाले थे और 1 मिडन ओवर भी यहाँ पे डाला था, ठीक है। और बैटिंग भी ठीक ठाक कर देती पल्लवी भारद्वाज, काफी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे बैटिंग से भी है, तो आप लोग यहाँ पे पल्लवी भारद्वाज को तो लोग ही लोगे। फिर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे हमने शांति कुमारी को लिया, ठीक है, दोनों मैचों में काफी शानदार तरीके से विकेट निकाले, लास्ट के मैच में भी यहाँ पे 1 विकेट प्लस 2 मिडन ओवर डाले हैं, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे एम महतो की, तो एम महतो के बारे में बता चुका हूँ कि बैटिंग से भी अच्छी है और बॉलिंग से भी अच्छी है, ठीक है। तो दोनों केसेस में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले यहाँ पे 2 विकेट निकाल चुके, ठीक है। फिर एन कुमारी सौ को लास्ट के मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता 2 विकेट निकाल चुके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आप लोग के लिए होंगे, खासकर बोकारो की तरफ से यार प्लेयर है और खासकर बॉलर है, सामने वाली टीम के मैक्सिमम विकेट गिरते हैं, तो हमें सारे के सारे यहाँ पे विकेट टेकिंग जितने भी बॉलर हैं उनको हमें बोकारो की तरफ से यहाँ पे पिक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपली आपके पास जो और ऑप्शन बचते हैं आप लोग यहाँ पे पी कुमारी के साथ जा सकते हो ग्रैंडिंग वगैरह में, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई खास प्लेयर है नहीं जिसके बारे में आप लोग को बताऊं, अगर कोई प्लेयर नया खेलता है तो उसका रिकॉर्ड आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है फैंटेसी फैक्टर, सिंपली @FantasyFactor लिख टेलीग्राम पे जा सकते हो, ठीक है। 8,000 से ऊपर आप लोगों को वहाँ पे लोग मिल जाएंगे, तो आप लोग वही यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की तरफ, तो कैप्टनसी हमने यहाँ पे सिंपली दे रखी है आरती कुमारी को, आप लोगों को तो बहुत अच्छी यहाँ पे बॉलर है, बॉलिंग ऑलराउंडर आप लोग बेसिकली मान सकते हो, लेकिन बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकती है, ठीक है। अभी बैटिंग की नहीं, लेकिन आप लोगों को दिख जाएगी बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है, ठीक है। वाइस कैप्टनसी हमने यहाँ पे पल्लवी भारद्वाज को दिया है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे एक और चॉइस आप लोग को दे रहा हूँ, इंद्राणी रॉय को भी आप लोग एज ए वाइस कैप्टन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ये 3 ही चॉइस मेरी रहेगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की जो मैं आप लोग को देना चाहूंगा, ठीक है। पल्लवी भारद्वाज, आरती कुमारी और यहाँ पे इंद्राणी रॉय, ठीक है। तीनों में से आप लोग चाहो तो यहाँ पे कैप्टन तो आप लोगों को सिंपली आरती कुमारी को रखना, वाइस कैप्टन आप लोग चाहो तो इंद्राणी रॉय या फिर यहाँ पे पल्लवी भारद्वाज को रख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं टीम के फाइनल प्रयोग की तरफ, तो कुछ इस प्रकार से हमारी टीम बन गई, आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा 7-4 का, ठीक है। अब आप लोग क्या करना फ्रेंड, सेम टू सेम टीम को आपको कहाँ पे लगा लेना, बैट बॉलन पे। क्या फायदा आप लोग को बैट बॉलन पे होगा, मैं आप लोग को 1 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे बैट बॉलन को डाउनलोड करोगे, जो लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे रखा, तो जैसे ही आप लोग वहाँ से डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे 50 रुपीज़ का इंस्टेंट कैश बोनस आप लोग को उसी टाइम मिल जाएगा, जैसे आप लोग मोबाइल नंबर से वेरीफाई करोगे। फिर आप लोग जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो आपको 100% कैश बोनस मिलेगा, यानी कि आप लोग यहाँ पे 100 रुपये डालते हो तो फ्रेंड्स आपके 200 हो जाएंगे, 1,000 डालते हो 2,000 हो जाएंगे, 10,000 डालते हो 20,000 हो जाएंगे, 10,000 तक के डिपॉजिट आप लोग कर सकते हो फर्स्ट डिपॉजिट, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे आओगे फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे सेकंड डिपॉजिट करोगे तो 75% आप लोगों को फिर से कैश बोनस मिलेगा, यानी कि फिर से अगर आप लोग 10,000 तक डिपॉजिट करोगे तो 7,500 रुपये आपको बोनस के रूप में मिल जाएगा। थर्ड टाइम में 50%, फोर्थ टाइम में 25% आप लोगों को यहाँ पे कैश बोनस मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरे 4 डिपॉजिट तक आप लोगों को शानदार तरीके से कैश बोनस मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबसे लेस एंट्री फीस आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्लस आप लोगों को बहुत सारे गिव अवे हमारी तरफ से इसी एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। प्लस फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोग को यहाँ पे फ्रेंड्स सेकेंड इनिंग में भी आप लोग यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट इनिंग है या सेकेंड इनिंग है, यहाँ पे आप लोग जाके
फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में भी सिंपली मैच को खेल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आप लोग को जो मोर में जाके आप लोग लास्ट में आओगे तो कॉल बैक का जो ऑप्शन है आप लोग देखोगे बहुत अच्छा। इनका कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखा है, यानी कि आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है एप्लीकेशन पर तो आप लोग डायरेक्ट इन्हें कॉल कर सकते हो या फिर इन्हें ईमेल कर सकते हो या फिर यहाँ पर मैसेज लिख के रिक्वेस्ट फॉर कॉल बैक करोगे तो ये लोग खुद ही आपको कॉल बैक कर लेंगे 5 से 10 मिनट में। और जो आपकी आपकी प्रॉब्लम रहेगी जैसे डिपॉजिट विड्रॉ कुछ भी आती है, वैसे तो आती नहीं है प्रॉब्लम लेकिन आती है तो आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। फिर इसके आप लोग को यहाँ पे इंस्टेंट कैश विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। पॉइंट सिस्टम क्रेडिट का क्राइटेरिया जो ड्रीम इलेवन का वही यहाँ पे भी है, तो जो टीम आप लोग ड्रीम इलेवन में लगाओगे यार वही टीम आप लोग यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। फायदा आप लोग को ये होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लेस कॉम्पिटिशन है तो आप लोग जो ड्रीम इलेवन में जिस टीम से हारोगे उस टीम से आप लोग यहाँ पे विन भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यार इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बताना था, उम्मीद करूंगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पहली बार इस चैनल पे आए हो चैनल पे आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारी यहाँ पे मेहनत की जा रही है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे यार थोड़ा सा हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को मैच की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स।